हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? ब्रोन, रोमान, तोमान या फिर सियान? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोमान। अब से ईरान की जो न्यू करेंसी होगी वो होगी ईरानियन तोमान। ईरानियन तोमान से पहले ईरान की जो करेंसी थी वो थी ईरानियन रियाल। तो यहाँ पर नाम आया है अगर ईरान का, तो ईरान की कैपिटल भी जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है आपकी तेहरान। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विटनेस अ हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी ऑन May 7, 2020? 7 मई 2020 को निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है गैस लीक होने की वजह से? वो शहर कौन सा है? ऑप्शंस आर भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर या फिर पटना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस के लीक होने की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हुआ क्या था? एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड प्लांट है आरआर वेंकटपुरम में, जो कि विशाखापट्टनम के पास है, वहाँ से ये गैस लीक हुई। और गैस का क्या नाम था? गैस का नाम था आपका स्टायरीन गैस, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना देखने के लिए मिली है। बोला जाता है कि अगर कोई इस गैस के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को, यानी कि केंद्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर सकती है। तो चलिए मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुष कवच ऐप? किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च की है? ऑप्शंस आर राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन आर संजीव दीक्षित, DPS नेगी, अरविंद जोशी या फिर केशव अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, DPS नेगी। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली मुस्तफ़ा अल कदीमी हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री? हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस आर ईरान, इराक, घाना या फिर इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इराक। यहाँ पर नाम आया है इराक के प्राइम मिनिस्टर का, तो प्रेसिडेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इराक के प्रेसिडेंट का नाम है बरहम सलीह, याद रखिएगा, बरहम सलीह। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियंस 2020 हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियंस 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यह किस देश में आयोजित होने वाला है? ऑप्शंस आर कतर, इटली, जापान या फिर स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु हैज़ अज्यूम द कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC? हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान किसने संभाली है? ये ARTRAC आर्मी ट्रेनिंग कमांड की ही एक एब्रीवेशन है। ऑप्शंस हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अजीत उपाध्याय, लेफ्टिनेंट जनरल अभिषेक सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव नायक या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो ये जो ARTRAC है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका शिमला में। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली द बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो हैज़ बीन रिलीज्ड।
इट इज़ द बायोग्राफी ऑन होम। हाल ही में विजयन तट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक जारी की गई है। यह किसकी जीवनी है? ऑप्शन आर कैप्टन विजयंत थापर, कैप्टन विजयंत बत्रा, कैप्टन विजयंत यादव या फिर कैप्टन विजयंत ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन विजयंत थापर। इस बुक के जो ऑथर हैं वो खुद कैप्टन विजयंत थापर के फादर हैं वीएन थापर, और इस बुक की जो राइटर हैं उनका नाम है नेहा द्विवेदी। ये जो नेहा द्विवेदी हैं वो खुद भी एक मार्टायर की बेटी हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच ऑफ द वर्चुअल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली द्वारा कौन सा आभासी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शंस आर संगीत के नगमे से, सरगम और नगमा, संग्रह के सुर या फिर नगमा के संग्रह से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नगमा के संग्रह से। इस वर्चुअल प्रोग्राम की जो इस वीक की थीम थी वो थी आपकी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, और ये डेडिकेट किया गया था प्रोग्राम श्री रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि 7 मई 2020 यानी कि 7 मई 2020 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब यहाँ पर इनकी एनिवर्सरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना भी ज़रूरी है। ग्लोबली श्री रविंद्रनाथ टैगोर की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, वो मई मंथ में बनाई जाती है, यानी कि मई के महीने में सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो बंगाली मंथ बैशाख के 25th डे को सेलिब्रेट की जाती है। तो चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज़ इंक्ड पैक्ट विद विच ऑफ द IIT टू मेक लार्ज स्केल वेंटिलेटर्स डिवेलप्ड बाय नोका रोबोटिक्स। हाल ही में एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने नोका रोबोटिक्स द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स बनाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आर IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर। तो यहाँ पर हमारी आज की ये करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।